कैसे हो, आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का मिनियन वाला फोटो रीडिंग। एंड गाइस देख सकते हो ये वाला फोटो, एंड आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। और गाइस ये वाला फोटो मैं इंस्टा के अंदर पोस्ट किया था, तो वहां पर आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इस पोस्ट के ऊपर। तो गाइस इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि भाई मुझे इंस्टा के अंदर जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ, ठीक है, मतलब फोटोज के बारे में, वीडियोज के बारे में सब कुछ अपडेट देता हूँ, वहीं पर पहले अपडेट देता हूँ। तो गाइस इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे फॉलो कर लो जाके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है इंस्टाग्राम का, तो जाकर फॉलो जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर देना, और चैनल के अंदर अगर नया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नया नया वीडियोस देखने के लिए। तो चलेगा आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पर पिक्सट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड इस बैकग्राउंड का लिंक एंड जो भी सारा कुछ पीएनजी वगैरह यूज करूंगा इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन पर जाऊंगा और अपना जो फोटो है उसको पहले ऐड कर लूंगा यहाँ से। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ एंड पहले से कटआउट करके रखा था। एंड जिन लोगों को कटआउट करना नहीं आता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप लोग जाकर सिंपली देख सकते हो। एंड कटआउट करने के बाद आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठा देना होगा फोटो को, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, पोजिशन करके आप लोगों को बिठा देना होगा कुछ इस तरीके से। एंड बिठाने के बाद सिंपली आप लोगों को बाहर यहाँ पर टैप कर देना है, आप लोगों को डन नहीं करना है अभी, ठीक है। बाहर सिंपली टैप करना है फोटो को यहाँ पर ऐड करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का ऐड फोटो आ जाएगा। आप लोगों को अब ऐड फोटो करके यहाँ पर एक पीएनजी ऐड करना है पहले, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला पीएनजी ऐड कर लिया हूँ। एंड ये शैडो वाला पीएनजी है, मतलब आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है शैडो बनाने में, एंड बहुत लोग रियलिस्टिक शैडो भी नहीं बना पाते हैं यहाँ पर जो ड्रॉ टूल होता है पिक्सट के अंदर उससे। तो पहले से शैडो बना के रखा हूँ, आप लोगों को इसका जरूरत ही नहीं होगा, मतलब इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, मैं सब कुछ यहाँ पर पहले से करके रखा हूँ। एंड यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बिठाना है कुछ इस तरीके से। एंड इसको यहाँ पर देख सकते हो पैर के ऊपर आ रहा है, तो उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव डाउन कर देना है। एंड बहुत लोग बोल रहा था कि भाई मेरा मूव डाउन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दो तीन बार चार बार क्लिक कर दो भाई, जब तक नहीं होता है हो जाएगा भाई, ठीक है। मेरा भी एक बार में नहीं होता है कभी कभी, एंड कभी कभी एक बार में हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर नीचे चला गया है, अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके बिठा दूंगा। एंड इसका जो ओपासिटी है हल्का सा कम कर देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर लगभग 60 के बीच में रखना है, आप लोग यहाँ पर 60 के बीच में रखना तो ही अच्छा होगा, हल्का सा एकदम, ठीक है। एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है, सिंपली डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस पैर पर ले आना है, एंड इसको भी मूव डाउन कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो मूव डाउन हो गया, नीचे चला गया है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, फिर से डुप्लीकेट बनाना है एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठाना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ एंड इसको भी मूव डाउन कर देता हूं, देख सकते हो ये भी नीचे चला गया है। एंड इसका जो ओपेसिटी है आप लोगों को और भी कम करना है, ठीक है, समझ रहे हो भाई। इसको आप लोगों को रखना है लगभग 30 के बीच में, ठीक है। तो इसको 30 के बीच में रख दिया हूँ एंड कुछ इस तरीके से पोजीशन करके लगा देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, यहाँ पर मैं लगभग रखूँगा 15 तक, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूँगा एंड इस पैर पर भी लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी मूव डाउन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मूव डाउन कर दिया हूँ जैसे कि देख सकते हो गाइस, अब हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं बाहर क्लिक करता हूँ एक, और देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से देख सकते हो, एकदम रियलिस्टिक शैडो लग रहा है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सिंपली डन कर दूंगा यहाँ पर गाइस मैं, और डन करने के बाद आप लोगों को और भी जो मिनियन का पीएनजी था अब उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अब जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर, जो अब पीएनजी वगैरह है सभी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, तीन यहाँ पर मिनियन का पीएनजी ऐड कर लिया हूँ। एक को यहाँ पर मैं बिठाऊंगा कुछ इधर यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ पहले, बहुत ठीक है बोलता हूँ मैं वीडियो के अंदर भाई, क्यों पता नहीं, ठीक है हर बात में ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं बिठा दिया देख सकते हो गाइस, और इसको छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा, एंड यहाँ पर बिठा देता हूँ। एंड ये वाला जो मिनियन है भाई, इसको यहाँ पर मैं सिंपली लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, और कुछ सामने की तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड ये जो बड़ा है गाइस, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो आप लोग अगर कुछ इस टाइप से पोज करोगे तो और भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पर लटक पाओगे गाइस, जैसे कि देख सकते हो। तो इसको भी यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लगा दिया था एंड इसको भी लगा दिया, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर हो गया देख सकते हो। अब यहाँ पर फिर से मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद और दो यहाँ पर मिनियन ऐड करना होगा, वो भी मतलब पीएनजी है। तो यहाँ पर ऐड फोटो से ऐड कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, ये दो मिनियन जो पीएनजी था इसको ऐड करना होगा आप लोगों को। एंड इसको यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वाला है इसको भी यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ठीक है।
और गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये वाला जो मिनियन है इसका शैडो है, दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसका शैडो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया हूँ मैं, इसको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर जाओ और इसका एक डुप्लीकेट बना लो। डुप्लीकेट बनाने के बाद ये आ गया एक, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली इरेज़ ऑप्शन पर जाऊँगा और इसको यहाँ पर इरेज़ ऑप्शन पर सिलेक्ट करके पूरा इरेज़ कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पर शैडो जो है उसको छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इरेज़ कर लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं इरेज कर लिया हूँ एंड इसको अब यहाँ पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर लगा दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो गाइस बहुत ही अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर दिखने में, क्योंकि शैडो आ रहा है तो अच्छा तो लगेगा ही गाइस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठा दिया हूँ एंड इसको भी यहाँ पर डन कर दूंगा। और डन करने के बाद यहाँ पर और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, देख सकते हो पूरा फोटो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा सिंपली लाइट रूम के अंदर। तो पहले यहाँ पर ड्रॉ टूल के अंदर से यहाँ पर फोटो को सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज कर लेता हूँ थ्री डॉट्स से क्लिक करके। तो चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं अभी। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर फोटो को यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली पहले जाना पड़ेगा यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पर, यहाँ पर मिक्स टूल, और यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम कर लूँगा एंड सैचुरेशन हल्का सा ज़्यादा करूँगा एंड यहाँ पर आ जाऊँगा ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर का सैचुरेशन हल्का सा डाउन करूँगा क्योंकि फेस का कलर जो है ऑरेंज कलर हो गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूँगा गाइस, हल्का ही करूँगा, लगभग 9 या 8 के बीच में। आप लोग देख लेना अपने मुताबिक से करना, ठीक है। और यहाँ पर लुमियंस इंक्रीज़ करूँगा फेस को व्हाइट करने के लिए। तो फेस भी व्हाइट हो गया, उसके साथ बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो फेस का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम टू सेम था इसीलिए। तो यहाँ पर येलो पर जाऊँगा एंड सैचुरेशन हल्का सा आप लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से रहते तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, देख सकते हो अभी अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड ह्यू यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस, तो ह्यू यहाँ पर कुछ हल्का यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिक्रीज रखता हूँ, 7 तक हो गया। अब ग्रीन का कुछ काम नहीं है, सियन कलर को यहाँ पर मैं हल्का सा चेंज करूँगा, कुछ इतना रखता हूँ एंड सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। एंड ब्लू कलर में आऊँगा, ब्लू कलर का देख लेता हूँ गाइस, तो ब्लू कलर हल्का सा कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। देखना आप लोगों का शर्ट का कलर कैसा है, जो भी मतलब पहन के रखे हो शर्ट या टी शर्ट, तो उसके मुताबिक से आप लोगों को करना होगा। तो ये भी कर लिया हूँ एंड यहाँ पर डन कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो वाइब्रेंस है उसको यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से, कुछ इतना करूँगा एंड सैचुरेशन हल्का सा डिक्रीज कर लूँगा, लगभग यहाँ पर 8 नहीं गाइस 6 तक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर देख लूँगा थोड़ा सा, तो टेम्परेचर यहाँ पर मैं -2 रख रहा हूँ एंड टिंट को यहाँ पर +2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया गाइस, बहुत ठीक है बोल रहा हूँ भाई। एंड यहाँ पर आने के बाद हल्का सा विग्नेट ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर फेदर को भी 100 कर देंगे और राउंडनेस जो है इसको भी 100 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर विग्नेट को थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आ जाएंगे फिर से और यहाँ पर गाइस शार्पनिंग ऐड करेंगे, जितना आप लोग शार्पनेस ऐड करना चाहते हो अपने फोटो के अंदर, डिटेल्स वगैरह। आप लोग बोलते हो कि कहाँ से शार्पनिंग डालते हो इतना भाई, इतना डिटेल कहाँ डालते हो, देख सकते हो यहाँ से डालता हूँ एंड देख सकते हो फोटो कितना शार्पनेस लग रहा है दिखने में, यहाँ पर डिटेल्स आ गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, बस हो गया। आप लोगों को और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करोगे तो खराब लगेगा दिखने में, ठीक है। आप लोगों को बिफोर वाला दिखाया तो देख सकते हो गाइस बिफोर वाला कैसा था एंड ये रहा आफ्टर वाला, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं चेंज किया हूँ। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो इस वाले फोटो को। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ये वाला वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।